मिशन 2023 के पहले भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह सामने आई है। शुक्रवार रात को भोपाल की महापौर मालती राय द्वारा एमआईसी सदस्यों को विभागों का बंटवारा किया गया, जिसमें गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कृष्णा गौर के दो समर्थक पार्षद सुषमा बाविसा को सामान्य प्रशासन और जितेंद्र शुक्ला को वित्त एवं लेखा विभाग सौंपा गया। कम बजट वाले विभाग मिलने से दोनों पार्षदों ने विभाग मिलते ही अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। दोनों पार्षदों के इस्तीफे के साथ ही जनता पार्टी में खलबली मच गई है और सुबह होते ही दोनों पार्षद अपनी नेता कृष्णा गौर के बंगले जा पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक पल भी भ्रष्टाचार और आज ये क्या हो रहा है, एमआईटी से जीते हुए ये मलाई युद्ध है। हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से की मलाई खाना चाहता है, भ्रष्टाचार करना चाहता है, लूट करना चाहता है, इसलिए तो विभागों के इतने झगड़े हैं, सड़क पर आ गए। जब आदमी को इस बात का भरोसा हो जाता है, एक तरह के कहने की आत्मसम्मान हो जाता है कि अब तो उसने जनता से सत्ता लूट ली, अभी हमारी सत्ता कभी नहीं जाएगी, तब तब वो ऐसे आना चाहे करता है। ऐसे जो है व्यापारों के लिए सरकारों के लिए करता है और वो परिस्थितियाँ आज सबसे ज़्यादा जनता को सोचना है कि उसका कल्याण आए नहीं। अब इस तरह से जब आम रूप आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो मलाई युद्ध है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर मदद करता है। जनता के कल्याण की लड़ाई नहीं लड़ते, ये अपने अपने हिस्से की मलाई और लूट की लड़ाई लड़ते हैं।